चलो बात कर रहे हैं हम मनोज खंडेरिया के द्वारा लिखी गई एक गजल के बारे में। गजल क्या होता है? गजल में दो 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 लाइन की पैर होती है, पैर जिसको हम कपल कहते हैं, मतलब उसमें दो लाइन आनी बहुत जरूरी है। दो लाइन के थ्रू ही हमेशा गजल लिख सकते हैं हम। एंड गजल जो है लाइक उसमें दो दो शेर होते हैं, शायरिया होती है कि गीत गाना चाहता हूं मगर आवाज नहीं, गीत गाना चाहता हूं मगर आवाज नहीं, एक लाइन, ताजमहल बनाना चाहता हूं मगर तेरे जैसे मुमताज नहीं। वाह वाह वाह। तो ये शायरिया या शेर जिसमें दो लाइन आई, दूहा जिसको हम गुजराती में कहते हैं उसमें भी दो लाइन आती है कि नारी कदी ना नींद ये, नारी कदी ना नींद ये, नारी रत्नों नी खान, नारी से नर निपज्यो, ध्रुव प्रहलाद महेंद्र समान। तो ये नारी जो है उसका बहुत बड़ा अस्तित्व इस दुनिया में है। दो लाइन का ये दुहा है, लाइक अगर ये बाल जैसे आज खुला रख के हमारे दो महादेविया बैठी हुई है तो उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक बार साक्षी गर्भ की ओर जा रही थी, देवांशी उधर से आ रही थी, और कुछ लोगों ने उसको देखा बड़े प्यार से, और एक लड़के ने उसको रोक के धीरे से बोला कि तुम्हारी या उड़ती जुल्फों ने काबू मा रखो, तुम्हारी या उड़ती जुल्फों ने काबू मा रखो, देवांशी साक्षी अनेक ना दिल ने घायल घेरा छे, हवे तो थोड़ू तेल नाखो। अनेक ना दिल ने घायल गिरा छे हवे तो थोड़ू तेल, दैट इज शायरी, है ना। तो शायरियों के अंदर दो दो लाइन आती है, शायरियों के अंदर दुहा के अंदर दो लाइन आती है, और उसी इसको पैर कहते हैं। ऐसी पैर अगर पांच हो, छः हो, सात हो, आठ हो, अगर पांच है तो दस लाइन बनेगी, छः हो तो बारह लाइन बनेगी, तो सात है तो चौदह लाइन, और आठ है तो सोलह लाइन। इस तरह से पांच से आठ नौ जितने अगर पैर में आए तो उसको गजल माना जाएगा, एक बाउंड्री बनाई। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी किसी को यहाँ से घर जाता है और घर पे पहुँचते पहुँचते भैया को जाके बोला भैया तक यस आई फॉल इन लव, तो मतलब प्यार में गिर पड़ता है, चार पांच लड़कियों को देख के आता है उसको प्यार हो जाता है, प्यार होता है फिर शेर व शायरी करना शुरू कर देता है और फिर उसका मज़ा हमें लेना पड़ता है फालतू में, ना हम समझा पाते हैं ना समझ पाते हो, फिर क्वेश्चन आंसर बनते हो एक्स्ट्रा। तो इसके कारण से उसकी बाउंड्री बनाई कि अगर 14 लाइन है तो सोनेट, दो लाइन है तो दूहा, 5-7-5 है तो हाइकू, चार लाइन है तो मुक्तक, तीन लाइन है तो छप्पा, दो दो लाइन की पैर है, पांच से आठ तक तो गजल। इस तरह से हर एक की बाउंड्री बनाई गई, और उसमें मनोज खंडेरिया ने हमें ये गजल दी है। ये कवि प्रकृति प्रेमी है, उसको नेचर बहुत अच्छा लगता है, और प्रकृति का वर्णन यहाँ पर कहते हुए बहुत ही अच्छी तरह से, वृक्ष है, डाली है, आम्र मंजरी, आम्र बोले तो आंबानु जाड़, और मंजरी उसके पर जो फूल आते हैं उसको मंजरी कहते हैं, यानी गुजराती में आपने मोर पण गई है, आम्र मंजरी, उसका सबका उल्लेख बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। यहाँ पर कहते हैं स्प्रिंग सीजन के बारे में वर्णन। स्प्रिंग सीजन मतलब क्या होता है कि जिसमें नए नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, एटमोसफेयर चेंजेस होता है, है ना, बारिश हो गई, अब बारिश शांत हुई है, अब नया पानी आएगा, खड़खड़ करके झरना है, नदी है, है ना, स्प्रिंग सीजन का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कवि स्प्रिंग सीजन को ध्यान में रख के बताती है। क्या क्या डाल डाल न थी, अगर आप कोई मैप ड्रॉ करो तो मैप के अंदर कोई एक ऐसा रास्ता, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा, फिर ऐसा ऐसा जाता है, तो ऐसा लगता है ये डाली जैसा है, या फिर कह सकते हो कि वो कोई मैप यानी कि रक्षा नक्शा जैसा है, तो कहेंगे आ डाल न थी आछे रस्ता वसंतना, आ डाल डाल न थी रस्ता छे वसंतना, और उस डाली के पर जो फूल आते हो फूल नहीं है पर वो पगले के निशान थे वसंतना, वसंत यानी स्प्रिंग सीजन जो एक रानी है, वसंत रानी कहते हैं उसको, है ना, के ऋतुओं की रानी कौन था, वसंत रानी, और वसंत रानी के पाँव के निशान कौन से है, तो के फूल है, है ना, और डाली क्या है, वसंत रानी के आने का रास्ता है, जो डाली के ऊपर फूल आते तो समझ लो कि वसंत रानी आ गई। लिखा है देखो बहुत ऊंची सोच है, आ डाल डाल जाने के रास्ता वसंत ना, फूल ए बीजू कहीं नहीं पर पगला वसंत ना। मलियाचल एक बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्लावर मिलते हैं, करीबन 22,000 जितने स्पीसीज पाए जाते हैं, एक प्लांट के ऊपर अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के, अलग अलग खुशबू वाले वहां पर फ्लावर मिलते हैं, उसको कहते हैं फ्लावर वैली कहते हैं, वहां पर मलियाचल पर्वत है, वहां पर चंदन भी मिलेगा और धतूरा भी मिलेगा, धतूरा एक गंदा सा फूल है,
तो गंदी सी स्मेल रहता है, उसको खाने से मर जाते हैं। और चंदन का है जो तो हम लगाते हैं, कितनी मस्त सुगंध आती है। मोगरा मिलेगा, गुलाब भी मिलेगा, कमल भी मिलेगा और जासूस भी मिलेगा, सारे वहाँ पर फ्लावर मिलते हैं। तो कहते हैं कि शायद तक वसंत ऋतु की जो रानी है उसका घर कौन सा है, तो कि मलयाचल पर्वत है। तो लिखा है कि मलिया नीलनी पीछी लेकर, वहां से ब्रश कोई लेके आया, और पता नहीं ये रंगों के अलग अलग फ्लावर कौन ड्रो कर रहा है हर रोज, है ना। तो लिखा है कितनी ऊंचा विचार, देखो कल्पना देखो उसकी, के मलिया नीलनी पीछी ने रंगो फूलो ना लेने, दूरी रही उछे कौन आ रस्ता वसंत ना। आगे लिखा है कि एक तारा अंगे ने बीजा चमन मा। अब जब स्प्रिंग सीजन आती है तो रात को भी आनी चाहिए, दिन को भी आनी चाहिए। कुछ ऐसे फूल होते हैं जो रात को खिलते हैं, है ना, उसको हम रात रानी कहते हैं, जूही कहते हैं, मोगरा कहते हैं। हाँ, क्या स्मेल, मादकता आ जाती है, ऐसा लगता है कि दारू का नशा कुछ नहीं, उसका नशा है। नहीं, दैट्स ट्रू। और जो होता है ना, मोगरा होता है, करेण होता है, चंदन है, उसमें बहुत अच्छी खुशबू होता है, उसके कारण से स्नेक उसके आजू बाजू में रहता है। लिखा है क्या कि एक तारा अंगे, रात में भी स्प्रिंग सीजन आनी चाहिए और दिन में भी आनी चाहिए, तो दो पार्ट डिवाइड हो गए, बे फाटा पड़ी गया, फाटा बोले तो बे रास्ते हो गए, अलग अलग डिवाइड हुए, कि एक तारा अंगे ने बीजा चमन में, एक ताराओं के साथ खिलेंगे और एक चमन में बगीचे में खिलेंगे, जाने बे पड़ी गया छे फाटा वसंतना। दो वसंत के रास्ते पड़ गए अलग, महकी रही छे मंजरी एक एक आंसू मा। देखो कहते कि ज्यादा हंसोगे तो रोओगे, और ज्यादा रोओगे तो अंत में हंसोगे, कि फालतू के में रो रही थी, कुछ मजा नहीं है इसमें, है ना। हसी हंसता हंसता रड़ी पड़े ए मानस छे, रड़ता रड़ता हसी पड़े ए मानस छे, है ना। इंसान की ऐसी फितरत है। तो ऐसा होता है जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, उसके ऊपर पहला आना होता है पत्तों का। पत्ते लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए वो स्टेडी रहेंगे, पर उसके बाद कौन आएगा, तो के फूल आएंगे, और फूल गिरेंगे फिर वहां पर फ्रूट आएंगे। तो फूलों का जाना, फ्रूट का आना, एक का जाने का दुख, एक का आने की खुशी, है ना। तो लिखा है यहां पर कि महकी रही छे मंजरी, मतलब जो आम्र वृक्ष है उसके ऊपर मंजरी है, जिन्हें अपने मोर गए छे, मंजरी एक एक आंसू मां, वो आंसू के अंदर खिल रही है। पर क्यों, तो मैं जाऊंगी तो मेरा भाई फल आएगा, है ना। मोहरा छे आज आंख मां आंबा वसंतना, और जब वहां पर फूल खिलते हैं, वहां पर मोर आते हैं, छोटी छोटी केरी आती है, और कोयल टू कू कू करके पूरा अमराय वाड़ी को खुशनुमा वातावरण में कन्वर्ट कर देती। आगे लिखा है कि उगी रही छे याद ना अबिल गुलाल, भैया मां थया छे आज छाटा वसंतना। और जब स्प्रिंग सीजन होती है, अच्छा एटमोसफियर होता है, उस टाइम के अंदर हमें अपना प्यार का भी माहौल याद आता है, क्या क्या जवानी के दिन थे, क्या मजा था, हमारा भी प्यार होता था, हम भी अपने प्रेमिका को मिलने के लिए जाते थे बगीचे में, तो वो पुरानी यादें तरोताजा हो जाती है, और वो ऐसा लगता है कि कोई हमारे हृदय के अंदर अबिल और गुलाल कैसे छांटड़े फेंक रहे हैं। उगी रहा छे याद ना अबिल गुलाल, भैया थाय छे आछे छांटा वसंतना, फाटू भरी ने, फाटू बोले तो बड़ा सा गासड़ी भरी ने, है ना, जैसे हमारे घर के अंदर धोबी आता है, और धोबी आकर किस तरह से वो कपड़े एक पोटली बना के लेके जाते हैं, उस तरह से कहते हैं कि सारी यादें हैं, ये फूलों की खुशबू है, ये डाली है, ये वसंत है, उन सबका फाटू भरी ने, आ सोना ना सूरज ने, खूबसूरत सा सूरज ने ले लो, पाछा फरी नहीं आवे आ तड़का वसंत ना। क्योंकि वापस से ये वसंत ऋतु आए ना आए, हो सकता है अगले साल ड्रॉट यानी कि दुकाल पड़े, हो सकता है अगले साल आप निकल लो ऊपर भगवान के पास, कुछ भी हो सकता है। सो लिव इन टुडे, आज के दिन में जीने का, और परम पूज्य श्री महान देवी ऐसी करीना दीदी ने कहा है क्या कि हर रोज ऐसे जियो जैसे कि आखिरी, है ना। तो ये है, बताया गया है रास्ता वसंतना। फटाफट से देखो, डाउट है तो पूछो।